नमस्ते। सूरदास के पद, कवि सूरदास, पार्ट दूसरा और अनुच्छेद दूसरा। मन की मन ही माज रही, कहिए जाए कौन पे उदो नाही परत कही। अवधि अदार आस आवन की, तन मन बीथा सही। अब इन जोग संदेश सुन, सुनी सुनी विरहिनी विरह दही। चाहती होती गुआरी जितते ही, ते उतमे धार बही। सूरदास अब धीर धरिए, क्यों मर्यादा न लही। मन की मन ही माजरे, गोपिया कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, मन की मन ही, यानी यहाँ पर देखो मन की मनी, म और म, म म की आवृत्ति दो बार हुई है, यानी जहाँ पर व्यंजन वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। कहिए जाए कौन पे उदो नाहीन परत कही। गोपिया कह रही है कि मन की मन ही माज रही। यहाँ गोपिया कह रही है मन की मन, यानी मन की बात मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उदो, हे उद्धव, उदो का मतलब है हे उद्धव, यानी कहाँ जाए कौन पे, यानी किस से। नाहीन परत कही, यानी अपने जो प्रेम की बात है वो प्रेम की बात सभी से नहीं कह सकते हैं, इसलिए वह कह रही है गोपियाँ कि हे उद्धव, हमारे मन की बात, हमारे प्रेम की बात हम किसको जाके कैसे कहें। अवधि अदार आस आवन की, यानी हमें पता था कि श्री कृष्ण आएंगे, लेकिन अवधि अदार आस आवन की, यहाँ पर भी देखो अ अ अ की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। अवधि आधार आस आवन की, अवधि अवधि यानी समय था, आधार यानी आधार था, आस यानी आशा, आवन यानी आने की। तन मन बीथा से, यानी हमारा तन मन वह दुख से हरा था कि श्री कृष्ण है वह यहाँ पर आएंगे और आके हमारे जो प्रेम की बात है, हमारे जो दुख की बात है वह हमारी बात सुनेंगे। अवधि आधार आसावन की, यानी एक ही आधार था हमारा कि श्री कृष्ण यहाँ पर आएंगे, लेकिन अब इन जोग संदेश सुन सनी, अब जोग संदेश सनी, जोग यानी योग संदेश। गोपिया कह रही है कि श्री कृष्ण ने न आकर उन्होंने तो हमारे लिए जोग संदेश भेज दिया। सुनी सुनी, अब यहाँ पर है सुनी सुनी, सुनी सुनी, सुनी सुनी, देखिए यहाँ पर सुनी सुनी दो बार आया है, एक शब्द ही है और दो बार आया है, लेकिन यहाँ पर दोनों बार एक ही अर्थ है, इसीलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार होगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? पुनरुक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ध्यान से सुनना, जैसे सुनी सुनी एक ही शब्द है, एक ही शब्द दो बार आया, लेकिन दोनों ही बार उनके अर्थ में कोई भिन्नता नहीं हुई। जैसे है एक आगे सुनी यानी सुनना, दूसरी बार भी सुनी यानी सुनना, दोनों का मतलब एक ही है, सुनना सुनना, इसलिए यह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हुई। अब इन जोग संदेश सुनी 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 विरह विरह दहे, यानी यह जोग संदेश सुन सुन कर तो हमारी जो विरह वेदना है वह और भी बढ़ गई है। चाहती होती गुआरी जितती ते उर्मे धार बही, यानी हम चाहती थी कि श्री कृष्ण आएंगे, लेकिन हम न उनको पुकार सकेंगे, उसी से योग की धारा बहने लगी। अब उतते धार बही, अब न उतते धार बही, यानी अब है वह किसकी धारा बहने लगी? योग संदेश की। किसकी? योग संदेश की
धारा बहने लगी। श्री कृष्ण तो नहीं आए लेकिन अब योग संदेश की धारा बहने लगी। हमें पूरी आशा थी कि श्री कृष्ण आएंगे, एक दिन जरूर आएंगे, लेकिन वह नहीं आए। और हमारी पीड़ा शांत करने की बजाय उन्होंने तो हमारा दुख और बढ़ा दिया। अब कह रही हैं गोपियाँ कि सूरदास अब धीर धरी क्यों मर्यादा न लही। सूरदास कि हे सूरदास अब हम कैसे धीर धरी। अब यहाँ पर बताइए आपकी धीर धरही, यहाँ पर ध ध की आवृत्ति दो बार हुई तो कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार। कि धीर धरी यानी अब हम कैसे धीर धरें। मर्यादा न लही, उन्होंने तो अपनी मर्यादा न लही यानी सारी मर्यादाएं तोड़ देना। श्री कृष्ण ने तो सारी मर्यादा ही तोड़ दी है, अब हम कैसे धीर धरे। अब यहाँ गोपियां कह रही हैं, एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि गोपियों की कौन सी बात उनके मन में रह गई, यानी श्री कृष्ण के आने के बाद कि श्री कृष्ण आएंगे और वो हमसे इतना प्रेम करते हैं और हम उन्हें अपनी जो विरह वेदना झेली है वह बात हम करेंगे लेकिन वह कुछ नहीं कर सके। मर्यादा न रही यानी मर्यादा, यानी उन्होंने मर्यादा न लही का मतलब है कि जो सारी मर्यादाएं यानी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी गोपियां, लेकिन श्री कृष्ण ने तो योग संदेश भेजकर सारी मर्यादा ही पार कर दी। अब गोपियां बता रही हैं आगे थर्ड अनुच्छेद में कि हम तो श्री कृष्ण से उस तरह प्रेम करते हैं जैसे कि किसको बता रही हैं? उद्धव को, कि हे उद्धव हम श्री कृष्ण से उस तरह प्रेम करती हैं जैसे हमारे हरी हारिल की लकड़ी। देखो यहाँ पर हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे हरिल हारी हारिल हारिल यानी एक पक्षी का नाम है, हारिल यानी एक पक्षी। अब गोपियाँ कह रही हैं कि हारिल नाम का पक्षी है, वो हारिल नाम का पक्षी हमेशा अपने पैरों पर लकड़ी के सहारे ही वह बैठता है, वैसे ही हम भी श्री कृष्ण से प्रेम करती है हमारे हरी हारिल की लकड़ी। यानी गोपियां कह रही है कि उद्धव हमको ये योग संदेश सुनने से कोई है ना मतलब नहीं है, आप कितना भी हमें बताओ योग संदेश लेकिन हमारे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो श्री कृष्ण से उस तरह से प्रेम करते हैं यानी हमारा मन है वह स्थिर है। गोपियाँ क्या कह रही है कि उद्धव हमारा मन स्थिर है, हमारा विचलित नहीं होता है मन, हमारा मन है वह स्थिर है, यानी हम श्री कृष्ण से हृदय से उस तरह प्रेम करती है जैसे हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह वह अपने पंजों पर पकड़ के रखता है, वैसे ही हम श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। कैसे? मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़े, यानी हम श्री कृष्ण नंद के बाबा के पुत्र श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण को हम मन क्रम और वचन से, मन से हृदय से तन मन धन से हम श्री कृष्ण को प्रेम करते हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागत जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वप्न यानी कल्पना करते हुए, दिवस यानी दिन में, निसी यानी रात में, यानी उठते बैठते खाते पीते सवेरे शाम पूरा दिन क्या झक रहे हैं? कान कान झकरी, क्या झक रहे हैं? कान कान झक यानी झकना बोलना, हम पूरे सवेरे शाम उठते बैठते खाते पीते श्री कृष्ण ही कर रहे। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करो ही ककरी, कि गोपियां कह रही है उद्धव हमें तो आपका जो जोग संदेश है वह जोग संदेश ऐसा लग रहा है जो करुई ककरी, यानी जो करुई, करुई का मतलब है कड़वी, करुई का मतलब है कड़वी ककड़ी की तरह, जो हम कड़वी ककड़ी खाते हैं, ककड़ी यानी ककड़ी, जो हम ककड़ी खाते हैं ये खाने की चीज है उसको हम खाते हैं, अगर कड़वी आ गई तो हम थूक देते हैं, तो वैसे ही हमको भी श्री कृष्ण
से जो प्रेम कर रही हैं और वह कह रही हैं कि हमको जोग संदेश तो ऐसा लग रहा है जैसे जो करुई ककरी, यानी जो कड़वी ककरी की तरह यहाँ जो देखना, जो में है उत्प्रेक्षा अलंकार। जो में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा क्योंकि उसमें यहाँ पर क्या किया गया है, उपमेय में उपमान की कल्पना की गई है, इसीलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब यह तो हमें कड़वी ककरी की तरह लग रहा है। क्या लग रहा है कड़वी ककरी की तरह? योग संदेश। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करे। अब सूतो व्याधि, सूतो व्याधि यानी इस तरह की, यानी रोग व्याधि, व्याधि का मतलब है रोग पीड़ा, व्याधि का मतलब है रोग पीड़ा, यानी इस तरह की पीड़ा लेकर आए हो। पीड़ा यानी इस तरह की पीड़ा लेकर आए हो कि जो कभी हमने सुनी न देखी। कौन कह रहा है? गोपिया कह रही है उद्धव से कि हे उद्धव, तुम तो हमारे लिए ऐसा संदेश लेकर आए हो जो कभी हमने न सुना है और न कभी देखा है। अब वह कह रही है गोपियाँ, यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो कि हे सूरदास, ये योग संदेश तो उन्हीं को सौंप दो। किसको सौंपने की बात कह रही है? गोपियाँ कह रही है कि यह तो उन्हीं को सौंपो जिनके मन चक्री, यानी मन, जिनका मन है वह चक्री के समान घूमता रहता है, डोलता रहता है, इधर उधर भटकता रहता है, उन्हीं लोगों को यह संदेश दो। हम तो सिर्फ श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, इसलिए योग संदेश का कोई फर्क नहीं पड़ता है। थैंक यू।